ये हमने एक वेरिएबल पावर सोर्स बनाया है जिसका यूज करके हम 0 to 12 वोल्ट के बीच में कोई भी पावर सप्लाई आउटपुट पे ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इनपुट हमने 12 वोल्ट लगाया है तो मैक्सिमम आउटपुट हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा। और जो रेगुलेटर आईसी हम यूज़ कर रहे हैं वो LM317 आईसी है जो कि वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट दे सकती है। इसके आउटपुट को वैरी कराने के लिए हमने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाया है और इसके साथ जो भी इंटरफेसिंग सर्किट्स हैं वो सारी हमने यूज़ की है। ये LED लगाई है हमने एज इंडिकेटर, तो यहाँ से हम जब वैरी कराएंगे ये पोटेंशियोमीटर तो आउटपुट हमें वेरिएबल मिलेगा। इसको शो करने के लिए इन दो टर्मिनल से हमने एक मल्टीमीटर जोड़ रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट की रेंज में है मल्टीमीटर हमारा, करेंटली 1.67 वोल्ट आउटपुट पे मिल रहा है। अगर इसको हम वैरी कराएं, ये एक पोटेंशियोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस वैरी करता है अगर इस नॉब को हम रोटेट करेंगे तो LM317 IC की कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, उसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के उसके आउटपुट वोल्टेज को हम वैरी करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करें आप देख सकते हैं ये हमारा 9 वोल्ट हो गया, 9.4 वोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम 0 to 9 वोल्ट वैरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोनेंट्स, यानी जो भी कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वैरी करेगा और जो भी आपने इनपुट दिया है। तो ये सिस्टम हमारा वैरी कर रहा है 0 to 9 वोल्ट, यानी इसके बीच में 0 से 9 वोल्ट के बीच में आप कोई भी आउटपुट पावर सप्लाई ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास ये PCB बोर्ड और ये सारे कॉम्पोनेंट्स इसमें जितने भी लगे हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर जैक है जिससे पावर सप्लाई इनपुट देनी होती है, ये पावर स्विच है पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर है जिसकी हेल्प से पावर सप्लाई अगर आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो उसको ये DC में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये यहाँ पे दो पर्पज़ हैं इसके, इनकेस अगर आपने गलत पोलैरिटी की सप्लाई दी है तो उसको सही पोलैरिटी में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज अगर आपने ट्रांसफार्मर लगाया तो उसको ये DC में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पे कैपेसिटर एज ए फिल्टर वर्क कर रहा है, यानी जो भी पल्सेटिंग DC है वो यहाँ से फिल्टर होके प्योर DC में कन्वर्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे एक रेगुलेटर IC हमने लगाई है, इस रेगुलेटर IC से हमारी जो पावर सप्लाई आ रही है वो कन्वर्ट एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, ये रेजिस्टेंस जो है वो इस LED के साथ प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, और एक और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस LED के साथ प्रोटेक्शन में लगा हुआ है। देन यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये 1 microfarad का है, ये आउटपुट की नॉइज़ को फिल्टर करता है, यानी आउटपुट में जो ये एज ए डिकपलिंग कैपेसिटर वर्क कर रहे हैं। देन यहाँ पे एक हमने पोटेंशियोमीटर लगाया जिसकी हेल्प से हम इसको रेगुलेट करेंगे। सॉरी ये IC है LM317 और ये इसको रेगुलेट करेगी, यानी ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रही है जिसके रेगुलेशन को हम इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू वैरी करा सकते हैं। तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक बल्ब आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको आउटपुट पे कुछ लोड लगाना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक मल्टीमीटर लगा रखा है और इस मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं जो भी सप्लाई आ रही है आउटपुट पे वो यहाँ शो कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप ये PCB देखेंगे, ये सिंगल लेयर PCB है, यानी इसमें ये टॉप लेयर है जिधर सारे कंपोनेंट्स हमें लगाने हैं, ये बॉटम लेयर है जिधर से सारे कंपोनेंट्स की सोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम पावर जैक लगाएंगे जहाँ से पावर सप्लाई इनपुट दे सकते हैं, देन यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे हम, स्विच से पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और इसमें जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं सबको हम लगाते जाएंगे और सबकी सोल्डिंग करते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं उसको इस वायर कटर के थ्रू हम कट कर सकते हैं।
देन यहाँ पे एक रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर को लगाते समय इसकी पोलैरिटी का हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे प्लस साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव आउटपुट है, डीसी आउटपुट, तो ये इसी कॉर्नर पे आना चाहिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी वाली जो लगी है वो पॉजिटिव सिंबल के साथ लगी हुई है, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं जो आउटपुट डीसी आउटपुट है वो उसका पॉजिटिव एंड यही होता है। देन कैपेसिटर हमें लगाना है 1000 माइक्रोफराड का, तो ये कैपेसिटर भी पोलर होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, तो इसको भी लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा जो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देन ये ट्रिपल LM317IC है, इसको लगाने के लिए आप देख ध्यान देंगे इसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, ये बाहर की तरफ होना चाहिए। उसी तरह LED को लगाते समय इसकी पोलैरिटी को हमें ध्यान में रखना होगा, आप किसी भी कलर की LED लगा सकते हैं, ग्रीन या फिर रेड। यहाँ पे ग्रीन हमने लगाया है, इसका फ्लैट सरफेस इस तरफ है, या आप कह सकते हैं कि इस ये जो LED होती है ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ये एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ पे ये सरफेस जो है ये फ्लैट होता है कैथोड का, तो आप यहाँ पे कैथोड इस साइड लगाएंगे, यानी जो छोटी वाली लेग LED की वो इस डायरेक्शन में लगेगी, तो इसको भी हमें केयरफुली लगाना होगा, हम लगा लेंगे। उसी तरह यहाँ भी जो LED है उसका भी फ्लैट सरफेस अंदर की तरफ होगा, और ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफराड का, इसको भी हमें, इसका छोटा वाला लेग नेगेटिव है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो इसको हमें इस तरह से यहाँ लगा लेना है। देन यहाँ पे हमें एक हेडर लगाना है, हेडर आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं, और ये रेगुलेटर है, इसको हमें इस पॉइंट पे लगाना है, तो इसको आप प्रॉपरली यहाँ ड्रिल करके इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप उनकी प्रॉपरली सोल्डिंग कर लेंगे, सोल्डिंग आयरन आपके पास होना चाहिए और सोल्डिंग वायर। सोल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेग्स होंगे वो कटर के थ्रू कट कर देंगे। देन आप पावर सप्लाई को एक बार चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से, और हर एक पॉइंट को चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे सो दैट कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर इसको हम रन कराएंगे, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ पे हमने आउटपुट से मल्टीमीटर जोड़ रखा है, और इसको रोटेट करा के इसकी वोल्टेज को हम वैरी करा सकते हैं। इस तरह हमारी डिवाइस एज ए वेरिएबल पावर सोर्स की तरह वर्क करेगी।